हेलो दोस्तों, दी लखनऊ में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ शिखा और मेरे साथ है प्रिया। और अपनी एक्सप्लोर करने की इच्छा को लेकर हम पहुंच चुके हैं इंदिरा नगर में, जहाँ पर खाने पीने के यूं तो बहुत सारे आउटलेट्स हैं। पूरे लखनऊ में वेज और नॉन वेज दोनों की ही बहुत ज्यादा वैरायटी आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन आज हम एक्सप्लोर करने पहुंचे हैं आइस एंड स्पाइस को, जहाँ पर वेज की सबसे ज्यादा वैरायटी है। क्यों प्रिया? हाँ बिल्कुल, तो चलिए आज एक्सप्लोर करते हैं आइस एंड स्पाइस की डिशेस। तो चलिए द लखनऊ की तरफ से हम आपको दिखाते हैं कि द आइस एंड स्पाइस की डिशेस में कितना आइस और कितना स्पाइस है। चलिए थैंक यू सर, हम लोग के आने से पहले ही आपने इतनी कलरफुल ड्रिंक्स ऑर्डर कर दी है। सर ये आपके कपड़े से मैच करते हैं, ये आप ले लीजिए। थैंक यू। तुम्हें भाजपा वाला आपके कपड़े से मैचिंग कर ले। तो यहाँ पे मतलब इतना लोडेड आइसक्रीम और कॉफी। तो प्रिया शिखा, बड़ा ही अच्छा मौका मिला है कि हम लोग यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। और लखनऊ जो है अपनी शीरी ज़ुबान के लिए जाना जाता है और अपने अदब के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ का जो लजीज खाना है वो भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन जो लोग ये समझते हैं ना कि लखनऊ का मतलब कबाब और बिरयानी, तो ऐसा नहीं है। जो वेजिटेरियन है उसके भी बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं, और ये एक ऐसी जगह है जो 22 सालों से जो वेजिटेरियन खाने वाले लोग हैं उनकी ज़ुबान पे आइस एंड स्पाइस का स्वाद चढ़ा हुआ है। और लकली हम लोग जब आज यहाँ विज़िट किए हैं तो यहाँ के जो ओनर हैं माधव भीमसरिया जी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके रेस्टोरेंट में ही आपका स्वागत है। तो ये बताइए कि ये कितने साल से चल रहा है? 22 साल से चल रहा है। और लखनऊ का जायका जिसको कहते हैं, वो यहाँ आए बिना लोगों के लिए, भाई ठीक है आप कबाब खाते हो बिरयानी खाते हो, लेकिन यहाँ का जायका अगर आपको लेना है, अवधि स्वाद लेना है, तो यहाँ आए बिना आपको मज़ा पूरा नहीं होगा लखनऊ का। हाँ नहीं, मैं बहुत सारे से लोग को जानता हूँ। बहुत सारे लोग तो होते हैं कि वो खुद नॉनवेज नहीं खाते हैं, लेकिन वो नॉनवेज लोगों के संग बैठ सकते हैं, खा लेते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उनको बैठने में भी उलझन होती है नॉन वेजिटेरियन के साथ। तो मैंने कई लोग को देखा है कि आपके रेस्टोरेंट को बहुत पसंद करते हैं। आपको ये बताता हूँ, यहाँ पे मुस्लिम लोग भी इतना पसंद करते हैं इसको कि वो नॉनवेज खाने के बाद वेजिटेरियन खाने के लिए यहाँ आते हैं। उनको यहाँ का टेस्ट इतना जमा हुआ है दिल के अंदर कि बाहर से आए हुए भी लोग को मन में लगता है कि अगर हमने यहाँ नहीं खाया तो लग रहा कुछ अधूरा रह गया, कुछ कम रहेगा। मेरे साथ यही प्रॉब्लम है कि मुझे नॉनवेज ना खाना पसंद है ना ही मैं साथ में बैठ के खा पाती, तो मैं ऐसा ही रेस्टोरेंट देखती हूँ जहाँ पे कोई नॉनवेज ना बनता हो ना ही सर्व किया जाता हो। अंडा भी नहीं आता, इसीलिए मुझे ये अच्छा इसीलिए लगा रेस्टोरेंट कि यहाँ पे नॉनवेज नहीं मिलता है। साथ में बैठ के कोई प्रॉब्लम नहीं है खाने में। लेकिन अब लखनऊ की बात है, लखनऊ में नॉनवेज लवर्स ज्यादा हैं। जैसे इनफैक्ट लखनऊ में भी मैं रह रही हूँ इतने सालों से, तो लखनऊ में भी वेज का कोई ऑप्शन ज्यादा दिखता नहीं था। लेकिन आप यहाँ आओ, एक घंटा वेटिंग के बाद ही आपको रात में डिनर के लिए बैठने को मिलेगा। बाहर लाइन लगी। अच्छा, यहाँ पे मतलब भीड़ लगती है? बाहर लाइन लगी होती है। मैं मतलब उन लोगों को ड्रिंक्स वगैरह सब कराता हूँ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, कि आप बाहर वेट कर रहे हो, गर्मी है। ड्रिंक्स पे चर्चा हुई, अभी हम लोग इसके आगे जो है खाने की कहानी शुरू करेंगे। आइए शेफ, वेलकम, बैठिए। तो ये विजय थापर जी हैं और इनसे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आखिर ऐसी क्या राज हैं कि यहाँ पे लोग खाने के लिए खींचे चले आते हैं। अच्छा, ये डिश स्पेशली शेफ बना के लाए हैं तुम लोग के लिए, तो एक एक पीस उठा के ट्राई तो करो उसको। बिल्कुल, और ये देखने में प्लेट इतने अच्छे से डेकोरेट करी है कि देख के ही पानी आ गया था मुंह में। अच्छा शाह जी, बताइए कि आप यहाँ पे कितने साल से हैं? सर मुझे 2000 कितने में था सर 2002 में था सर 2001 में ओपनिंग हुआ था। हाँ,
उसके बाद मैं लगातार कंटीन्यूअस है। तो ये शेफ लोग जो होते हैं उनकी बड़ी डिमांड होती है, और आप जैसे शेफ जो इतनी भीड़ खींच के लाते हो, तो यहाँ से इतना लंबा कैसे टिक गया आप यहाँ पे? सर मैं लंबा नहीं टिका, गया तो मैं गोवा पुणे, मैं विदेश मलेशिया में गया, तो यहाँ पे फिर दोबारा सर लोगों ने लिया, तो हमको फिर बुलाए। तो देखिए डिशेज भी आने सर्व शुरू हो गई है। तो ये किस चीज का प्लेटर है सर? ये वेज प्लेटर है, तंदूरी में बनता है, मतलब आपको सब चीज एक ही थाली में मिलेगा इसमें बस। तो चलिए शेफ आप खाना सर्व करवाइए और हम लोग खाने के मूड में आ गए। सुप्रीम पिज्जा जैसा नाम है वैसा स्वाद भी है, सुप्रीम चीजी पिज्जा, हर किसी को यही चाहिए होता है भाई। Wow, what a sizzler! ये मुझे यहाँ का इतना पसंद है कि इसको यहाँ रख लिया। वाह, स्पेशली कई बार मैं बहुत ही खूबसूरत। वेजिटेबल्स हैं, ब्रोकलीज है, ब्रोकलीज बीन्स हैं, चीज है। मैं तो खुद टेस्ट करता हूं, पर जनरली लेके उनको वो चीज जो पसंद आए वही मंगाओ। वैसे मैं ऐसा फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूं, लेकिन हां बहुत अच्छा है। प्रिया इतनी हेल्दी प्लेटर है, तो सबसे पहले तो हम लोग को कोरिएंडर चटनी ट्राई करनी थी। सीख कबाब, चलो इसको भी ट्राई करो। और बाकी अब ये पनीर तो मैं ट्राई कर लेती हूँ, पनीर मेरा फेवरेट है। जब आइस एंड स्पाइस में है तो स्पाइसी तो होना चाहिए। हरा भरा कबाब मिंट सॉस के साथ, इसके आगे तो सब कुछ पीता है। चीज एकदम बैलेंस्ड है, मतलब कि कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है। मैं कह नहीं सकती कि हाँ मुझे इसमें कोई भी कमी लगी। वो भी एकदम ऐसे ही है जैसे घर में खाना बनता है ना। ये गरम गरम खाना वो भी इतना टेस्टी। शिखा और प्रिया और माधव जी के संग जो खाना खा के और इनके रेस्टोरेंट आइस एंड स्पाइस में खा करके एकदम दिल खुश हो गया। बहुत ही शानदार खाना और घर जैसा खाना, लेकिन अभी इनका बिल देखा तो इतने सारे खाने का इतना जेन्युइन बिल, तो मुझको लगता है कि लखनऊ में जहाँ की ऑथेंटिक फूड मिलता है, अच्छा खाना मिलता है, और वहाँ पे एक बजट फ्रेंडली भी है ये रेस्टोरेंट, तो मुझको लगता है कि यहाँ पे आया जा सकता है। थोड़ी सी भीड़ की समस्या है, यहाँ पे क्राउड ज़्यादा रहता है, तो बुक करा के आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हमारा एक डेस्टिनेशन जो है आज के खाने का सफ़र यहाँ पे अभी रुक रहा है, लेकिन ये थमेगा नहीं, ये आगे भी जारी रहेगा। तो हमसे जुड़े रहिए, और अगर हमको लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, और यहाँ पे खाना ज़रूर आके खाइए, और खा के हमको कमेंट करके बताइए भी कि इस रेस्टोरेंट का खाना आपको कैसा लगता है।